is your host, Richard Chimala. I hope you all are doing fine. So, bhai, yeh thoda messed up hai. Yeh bhi main apna room bhi dikhaunga video ke next vlog mein. Ab mujhe comment section mein batana aapko mera room dekhna hai ya nahi dekhna. Thoda sa samaan idhar udhar gira hua hai. ठीक है. सो आज का व्लॉग मैं आपको भाई दिखाऊंगा. मैं जैसे आप कहते हैं ना, ये अंग्रेज हमारे बहुत सारा सामान लूट के ले गए थे, तो आज देख के आते हैं कोहिनूर वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे राजाओं की तलवारें हैं और उनके थ्रोन हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो ये हमारे मंदिरों में से लूट के ले गए थे और राजाओं के सामान ले गए थे, रियासतों का सामान ले गए थे ये अंग्रेज. तो आज वो सब चीजें देखेंगे आप. ठीक है. और ये वो कहते हैं कि हमें गिफ्ट करा था, पता नहीं क्या क्या चीजें कहते हैं कि हमें नहीं लूटा, नहीं हमने गिफ्ट करा था या लूटना नहीं, हमने चोरी नहीं करा, हमें गिफ्ट मिला था. सो वो सब चीजें भी देखेंगे, पर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. सो मैं हूँ रचित. आप लोग जो नए आए हो इस चैनल पे, तो मैं लंदन में रहता हूँ, यहाँ स्टडी करता हूँ और अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ. चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कुछ खा लेते हैं. आपसे देखो मैं खा रहा हूँ आज. ये देखो मेरी विंडो से व्यू देखो, और ये नीचे यहाँ लोग बारबेक्यू करते हैं. ये देखो आज फ्रेश खा रहा हूँ सैलड. इसमें मैंने कुछ नहीं करा, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाली है और ये खा रहा हूँ मैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों चलते हैं भाई, और मैं अपना आउटफिट आपको वहाँ दिखाऊँ. मेरा दोस्त आ रहा है, उसको कैमरा पकड़ाऊँगा और फिर वो दिखाएगा. बाकी आज मैंने मेरे नए बूट पहने हैं, इंडिया से आया था जब पहली बार, मतलब लेके आया हूँ आज पहली बार पहने बूट. सो चलते हैं. हाई स्ट्रीट के बिल्कुल पास रहता हूँ मैं, हांसलो हाई स्ट्रीट के, और वो मेरा दोस्त वहाँ वेट कर रहा है. और जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर आपको मिलता हूँ. इससे मैंने स्टार्टिंग में प्लान बनाया था लंदन जू जाने का, लंदन जू जाने का कह रहा हूँ. पहले मैंने स्टार्टिंग में प्लान बनाया था लंदन जू जाने का, बट थोड़ी सर्च करी, मेरे को वो इतना अच्छा नहीं लगा. बाकी आप लोग कहोगे तो वहाँ जाया हूँ, मतलब पेंगुइन्स है वहाँ पे, मेरे को पेंगुइन्स देखने. मैंने पेंगुइन्स देखे, एक जिराफ और एक पेंगुइन्स, ये नहीं देखे, और तो सब चीज़ें देख रखी है ऑलमोस्ट. तो कहोगे तो अब मैं वहाँ चल पड़ूंगा, बताना मुझे. सो दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात लेके आया हूँ मैं. जैसे कि मेरी कई सारे दोस्त जो यूके में रहते हैं और उनको इंडिया पैसे भेजने होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर कई सारी ऐप है, बहुत सारे तरीके हैं, पर ना कहीं ट्रांजेक्शन फीस, बैंक फीस या हिडन चार्जेस, और अच्छा रेट नहीं मिल पाता पाउंड से रुपीस का, INR करेंसी का, तो कई सारी दिक्कत होती है. पर आप लोगों की हेल्प के लिए ना मैं एक वेबसाइट लेके आया हूँ, एक्स मोनीज नाम से. भाई बहुत बढ़िया सीन है इसका, कोई हिडन चार्ज नहीं है, नो ट्रांजेक्शन फीस, नो बैंक फीस, मतलब 0% बैंक फीस. सो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कटेगा और आपको अच्छा रेट मिलेगा. तो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, लेट मी शो यू. सो ये देखो आप ये एक्सपोनेंस की वेबसाइट पे जाएंगे, ये देखो भाई. सो ये दिखा रहा है आपको, ये रेट मिल रहा है इस टाइम, 0 ट्रांजैक्शन फीस और बैंक चार्जेस 0. और तो स्टार्ट करते हैं भाई, साइन अप करना पड़ेगा, अपना नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये जो इसकी डिटेल्स है भरो. 3 स्टेप का प्रोसेस है. सो स्टेप 2 में इन्होंने कंट्री पूछी हुई है और रिसीविंग कंट्री पूछी हुई है, और अपना नंबर डाल दो. और थर्ड स्टेप जो है भाई, इसके अंदर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है. सो ये विंडो खुल जाती है, इसमें आपको आपका नाम वगैरह आएगा, और बिल्कुल आसान है प्रोसेस, 2 में काम हो जाएगा आपका. कोई भी आईडी मांगता है वो जल्दी करो और फिनिश है. अभी रेट ये मिल रहा है भाई, ये देखो. तो बहुत बढ़िया साइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है भाई ये. और एक और बात, आपको $20 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा अगर आप इनका रिव्यू डालोगे कैप्टेरा जो वेबसाइट है उसके ऊपर. सो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ये वेबसाइट एक बार जरूर ट्राई करना. एक बार ट्राई करोगे तो आप इसे ही ट्राई करोगे. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाके एक बार चेकआउट करना. मुश्किल से कैमरा मिला, ये देखो कैसा लग रहा है, बताना मुझे है. और ये देखो जूते हैं, हाँ अब देख रहे होंगे. ये मेरा OTDD, पता नहीं क्या होता है, आउटफिट ऑफ द डे. ठीक है. सो कैसा लग रहा हूँ जरूर बताना कमेंट सेक्शन में. और चलो चलते हैं भाई, ले रहे हैं स्वाद जिंदगी के. भाई हाई स्ट्रीट पे आ गए, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर से हाई स्ट्रीट. तो बढ़िया लोकेशन में घर मिला होगा आपको. तो चलो चलते हैं, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं. पहले मेरे को बैंक में जाना.
हेलो भाई दोस्तों, पहुंच गए हैं। इस दोस्त का कह रहा था मैं, ये रहा अभिनव। अब अभिनव हेलो कर सकता है। एक्चुअली अभी हमने पहले भी दिखाया था अभिनव को, तो ऐसे ऐसे इसकी स्टोरेज फुल होगी और वीडियो बंद होगी है, पर कोई नहीं, अभिनव वापस कर दे। और भाई और एक और ये अपना पूरा बुरा साहब है, ये भी भाई अभी नया नया इंग्लैंड। कितने टाइम हो गया भाई? दिखा के आते हैं म्यूजियम और एक छोटा सा डॉग। तो दोस्तों आज अपना, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे इन अंग्रेजों ने हमारे जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जैसे कोहिनूर वगैरह, ऐसे वीडियो देखी थी मैंने जहाँ पे इसमें कहते हैं कि कोहिनूर भी है, पता नहीं कोहिनूर है या नहीं है। तो पर कई सारी ऐसी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमारे, मतलब जहाँ जहाँ इन लोगों ने राज करा था ब्रिटेन ने, वहाँ वहाँ से लेके आए। तो अभी देखना क्या होगा, लड़ाई होगी। चलो बैक टू रूम। सो भाई ये पूछ रहा था कि फोटो ले लूँ क्या मैं तुम तीनों की, तो मैंने कहा नहीं हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं, तो रहे हो रहा है म्यूजियम। भाई मैंने लैम्बोर्गिनी देख लिया शोरूम, और ये गाड़ी देखनी देखनी है। ठीक है ना? ठीक है क्या? ठीक है। चलो रुक जाओ भाई। वो ये कौन सी है, जोन सी भी है ये, वो देखनी है पहले, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों मैं अभी म्यूजियम में जाना था, पर उससे पहले मेरे को और अभिनव को ये दिख गया। तो भाई इसके पीछे एक बहुत तगड़ी स्टोरी है। दो तीन दिन पहले ना मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा था, और मैंने सोचा यार क्या करना क्या नहीं, तो मैंने बस में से ये वाली गाड़ी देखी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था नंबर प्लेट। मतलब गाड़ी तो चल नॉर्मल है, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी नॉर्मल दिख जाती है, पर उसकी जो नंबर प्लेट थी उस पर लिखा हुआ था HR14J80। फिर मेरे को ये लगा भाई अपने वाले बंदे, अपने मतलब इंडियन इतने ऊपर पहुंच सकते हैं, इतने तगड़े पहुंच सकते हैं, हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो भाई आप सब लोग दुआ करो, अब बस तुम्हारा भाई पहुंचेगा जरूर वहां पे, और साथ में ये वाला भाई भी होएगा, हम सारे साथ में रहेंगे, पूरी तरक्की करेंगे। और कौन सी गाड़ी ले लूंगा जिस बात टेक दुआ है, ये आने बात है। और भाई ये बातें ना हवा में नहीं होती इंडिया। आप ना ये अभी न्यूज आई थी कि लंदन में ना 50% से ज्यादा इंडियंस ने प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो उसमें नाम लेना भी होना चाहिए। पहले प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके बाद पैसा कमाएंगे, उसके बाद ये लेंगे, ना कि पहले ये लेंगे फिर सारा पैसा बेच लेंगे। ठीक है ना? चल चला मेरा भाई, आजा, जद रुपया होगा जो दाढ़े भी जरूर आवाएंगे। भाइयों ये अभिनव ने मेरे को इतना घुमा दिया है, इसको आ रहा है, इसको वॉशरूम जाना था, टॉयलेट आ रहा है इसको, और ये तीन चार जगह घुमाया है यार, और दो मिनट में फिर बाहर आ जाता है, कहता कि यार यहाँ पे ना अभी लाइन बहुत लंबी लगी है वॉशरूम में। अब देखो एक जगह और गए हैं, अब जल्दी आ जाए तो वापस चलते हैं अपने म्यूजियम में। बाकी यहाँ की वाइब मस्त है भाई, जोन वन तो जोन वन ही है, गजब वाइब है। देखो भाई वाइब देखो आप, अभी इस वाले रेस्टोरेंट में गया हुआ है वो अंदर, तो होपफुली फिंगर क्रॉस क्यों जाए आए ढंग से, फिर ताकि हम आगे चल पड़े अपने। और देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, एक ये शोरूम है शायद, इधर मीट वगैरह मिलती है, और ये पिग की मीट मिल रही है, और ये देखना, और ये भाई ये टांग टूंग है, और ये बहुत महंगी बिकती है, बहुत महंगी, और मतलब अच्छी महंगी बिकती है। और यहाँ पे कई मीट ही खाई जाती है ज़्यादातर, और कोई भाई हो गया भाई, हो गया अब है नहीं यहाँ पे भाई, तेरे नसीब में कोनी आज, ढूंढ ले मैं कहूँ चला उड़े, चल चल कैमरे के आगे तो बोल रहे थे चल चल। तो ये देखो भाई क्या अपडेट है बताओ भाई। भाई अपडेट ये है, लाइन ज्यादा लंबी नहीं है, पहुंच जाएंगे हम जल्दी। क्या सीन है भाई, यहाँ मैं बताता हूँ कि ये जो लाइन है ना, यहाँ ये लाइन सारी म्यूजियम की है, और टिकट फ्री ही है,
पर जो कई लोग टाइम स्लॉट होते हैं वो ले लेते हैं पहले से, तो वो डायरेक्ट जा सकते हैं, पर आज के लिए टाइम स्लॉट सारे पूरे हो गए। हमने पूछा था अभी जो वॉलंटियर यहाँ पे खड़ी थी, तो अब एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ खड़े होके वेट कर सकते हैं। तो भाई अपना ये अभी ना थोड़ा सा शाही है, ये भी अपना व्लॉगिंग चैनल बनाने वाला है, तो इसका चैनल भी जरूर देखियो। अभी आएगा तब अपडेट दे देंगे आपको, पर अब ये देख के आया था। कितनी कितनी लंबी है, कौन सा गेट कौन सा है? 1001 बंदे आगे। 1001 बंदे थोड़े ही है, तो बस हो जाएंगे पूरे, कोई नहीं देखी जाएगी। नहीं होंगे तो आप कहीं और घूम के आएंगे, पर आज घूमेंगे जरूर। ठीक है भाई, मैंने पिछला व्लॉग बनाया था, बात सुन ले। व्लॉग में एंटरटेनमेंट जब होगा, जब बात होगी, यूं नहीं होती। सुने बंद कर सुन ना, मैं भाई तू भी आ, पिछला व्लॉग बनाया था मैंने। ओए सुन तो ले, बात तो सुन ले। अच्छा नहीं करा रहा इधर आ तो जा, बेइज्जती की बात की। सुन मैं पिछला व्लॉग बनाया था, उसमें यूं था कि मैं यूनिवर्सिटी जाना है भाई, यूनिवर्सिटी पोस्ट हो गया, उसके आगे का मैं प्रोसेस भूल गया बनाना। तो भाई अब क्या करूं मैं, व्लॉग डालू ना डालू बता, इतनी बन गई कि लोग एंटरटेन हो सकते हैं। हो सकते हैं, सही बात है। तो डाल दूं? डाल दूं। देखी जाएगी भाई, व्लॉग डाल देता हूँ। तो ऐसा हो जाता है भाई, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ आ जाए म्यूजियम देखने और कुछ ना हो पाया तो कुछ और दिखा देंगे, पर लोग जरूरी नहीं है म्यूजियम देखने आ रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ दिखाएंगे। लोग हमको देखने आ रहे हैं ना भाई, आप लोग हमारे थ्रू एक मतलब हैप्पीनेस खुशी एंजॉय करना चाहते हैं, समझे भाई? इसको तो पता नहीं कहाँ जा रहे, ध्यान दे कैसे कर रहे हैं। ऐसे बनेगा ब्लॉगर तू है? ऐसे बनेगा भाई, उसे ब्लॉगर नहीं बोलते, उसे डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं कि यहाँ से दिखाया कि ये चीज यहाँ है वहाँ से वहाँ है, समझा? कमेंट सेक्शन में बताना भाई मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। यार 7 महीने किसमें बांट दिया यार, वहाँ लिखा हुआ है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम पूरा कंटेंट देख भाई, कंटेंट ऐसे सही बात नहीं है भाई। किसमें जाना था पाना, उसमें जाना था ना, उसमें जाना था, इसमें बांट दिया। कौवा फिर की कहो, अड़ते जाके कोई लाइन ना होगी, रोड तो निकलेंगे अंडर बाईपास। के मतलब है भाई, है भाई, के लिए भाई यार दोस्तों थोड़ा हमें माफ करना अगर वो वाला कंटेंट ना निकले अब क्योंकि टाइम होने वाला है खत्म, या तो अभी यहाँ से निकलेंगे तो ना तो वहाँ जा पाए ना इधर जा पाए, तो अभी यही घुस गए हैं। उम्मीद ये करते हैं कि वही हो, जाएंगे कोई नहीं। ये देखो दोस्तों वहाँ पे भी ये नाम लिखा हुआ है, अब देखो यार कहाँ जा रहे हैं हम, पता ही नहीं चल रहा। ये देखो इसने महाराज ने कहा ले गए ये जो ये कोए, ओ भाई है तो मस्त, देख ऊपर हुए, ये देखो ये नेचुरल म्यूजियम है, ह्यूमन एवोल्यूशन वगैरह, ये डायनासोर है कोए, देख लो भाई ह्यूमन एवोल्यूशन, ये देखो फोटोशूट हो रहा है। सो लेट्स सी क्या चीजें है भाई यहाँ पे। अब जो भाई मैं बोर नहीं करूँगा आप लोगों को, ये तो आप वैसे भी देख लोगे, कुछ खास चीजें होगी वो मैं जरूर दिखाऊंगा। हमने इंडियन वाला सीन दिखाना है हमें, हो रहे हैं यहाँ पे साइंस वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, है? फोटो खिंचवाने खिंचवानी कैसी आई है मेरे को दिखा भाई, माई जैसा है वैसी आएगी, देखो सारी बात। ये थंबनेल बनाता हूँ मैं, लोग साइंस वाइंस को छोड़ के यहाँ पे अपनी फोटो खिंचवाते हुए। चलो ठीक है, वो नहीं है मेरे को ऐसे लगा, वो जो हैरी पॉटर की वो जो पर्ची डालते हैं वो वाला तो नहीं है, ये आग का प्याला। तो दोस्तों ये वाला है, और अब वहां से घुस रहे हैं आजो भाई, और इसके अपोजिट में हम इसमें घुस गए थे और कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा उसमें, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन भी नहीं लगा वहां पे। देखो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब का है, देख महाराजा रणजीत सिंह के गीत है जो उनका है ये पोशाक। तो जहां तक मुझे याद है हिस्ट्री में, मैं अगर गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तुम कमेंट सेक्शन में बताना, महाराजा रंजीत सिंह के पास था कोहिनूर लास्ट टाइम, और वो अपने हाथ पे बांध के रखते थे, और ये देखो महाराजा रंजीत सिंह के किंगडम के ही ये ड्रेस वगैरह है। ये
पढ़ लेना आप स्क्रीनशॉट में। गोल्डन थ्रोन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, ये उनका थ्रोन है, सिंहासन है, सिंह इस पर बैठते थे भाई। ये वाली जो तलवार है ना, ये औरंगजेब की तलवार है, दिस वन देख लो यार। और ये कई जितनी तलवारें हैं कहीं ना कहीं राजाओं की है, खतरनाक है भाई। ये देखो यार, हमारी हिस्ट्री यहाँ पड़ी हुई है। इसमें से भी जाए हैं कोहिनूर तो इसमें भी नहीं मिला, पर कई सारी चीज़ें मिल गई और पूरा ये भी नहीं देखा। अब हम जा रहे हैं टावर ब्रिज की तरफ, क्योंकि हमारा एक और दोस्त है वो वहाँ आएगा, और अभी इसकी ये भाई अपना इंटरव्यू देने जा रहा है जॉब का, तो ऑल द बेस्ट कह भाई। तो आज अभी तो कह यार, आज तो तूने पूरी बढ़िया मजे ले लिए मेरे, पर मैं भाई मैंने कोई मजे नहीं लिए तेरे, मैं मजे ले सकूँ मेरे भाई के? भाई आपने मजे लिए इसके? ना ना भाई, कर लिए ना भाई अपना, भाई अपना यार देख 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 देख। अरे खुशी, खुश रहो, खुश है ना भाई? सही बात है। और चलो भाई बाबा आगे चलाए, कुछ और देखेंगे। सो दोस्तों, हम एप्पल स्टोर में आए हुए थे और अपने साथ जो भाई है ना पूरा भाई, इसको फोन लेना था, तो अभी हमने डिस्कशन कर करके फाइनल कर दिया है, तो पेमेंट भी कर दिया है और कैश में ही कराया पेमेंट और फुल पेमेंट कर दी है। और आप लोग भी बताइए भाई मेरे को कौन सा लेना है, हमने फाइनल करा है, आज दिखाते हैं भाई का फोन, तो वो कर ले भाई, इसका फाइनल करा है ये वाला 14 प्रो पर्पल कलर में, तो कर दिया फाइनल ये वाला, कर दिया भाई ये फाइनल कर दिया। भाई पूछ रहा था प्रो मैक्स लें या प्रो लें, तो मेरे को भी पसंद प्रो ही था, प्रो मैक्स ज़्यादा ही बड़ा लगता, और कोई डिफरेंस है ही नहीं, बस इसकी स्क्रीन का डिफरेंस है और बैटरी का डिफरेंस है। और दूसरा यार, यहाँ जैसे हम वर्किंग है, काम करते रहते हैं, तो ज़्यादा बड़ा फ़ोन इतना मेरे को पसंद भी नहीं है, तो भाई को भी पसंद नहीं है, तो उसने भी यही लिया है। और अब अगला फ़ोन तेरा आएगा, मेरा, हाँ मेरा आ जाएगा, और फिर मेरा आएगा, ठीक है, सून अगले हफ्ते तेरा, उस तक अगले हफ्ते मेरा, ठीक है भाई। भाई ले लिया फ़ोन, ले भाई करो भाई अनबॉक्सिंग करो भाई, 20 दिन में फोन ले लिया छोरे ने, 20 दिन हुए इंग्लैंड की धरती पे पैर रखे, कितना टाइम हो गया, 5 महीने हो गए भाई। वाह भाई वाह, कांग्रेचुलेशंस भाई, थैंक्स भाई, लो भाई पहला बूट हो गया। हाय हाय, सो भाई अब जो क्लिप बन रही है, ये वाली जो क्लिप बन रही है, ये अपनी बन रही है 14 प्रो से, ठीक है। तो अभी हम कुणाल भाई को ले आए हैं, कुणाल से बोला था मैंने कि भाई बढ़िया अपना इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है, तो आप कहाँ आए हैं भाई? डिशु, इस बार आए हैं डिशु, तो ये सारे हो गए भाई। और भाई क्लियरिटी देखो, एक नंबर आ रही है भाई के फोन में, ये मैं अपने पास फिर अभी स्क्रीन शेयर कर लूंगा वीडियो। सो अभी वेट कर रहे हैं हम, हमारे पास क्या नंबर है अपना दिखाइयो, 125, 125 नंबर है हमारा, मतलब हमारा नहीं मतलब कि जो टेबल का है। सो तो कुणाल ने कहा हम ये खाएंगे, ये और बाकी देखते हैं। और कौन सा कह रहा था तुम भाई? बाकी भाई यहाँ का ना बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे भाई सारे अंग्रेज है, सारे A to Z अंग्रेज है, और बढ़िया माहौल है। बाकी आगे जाके आपको दिखाते हैं, जब खाना आएगा वो दिखाएंगे। वाह भाई वाह, फाइनली इंडियन फूड, अगला खोल। वाह भाई वाह,
असली वाले नान जो इंडिया में होते थे, ना कि ब्रेड। तो दोस्तों खाना खाने के बाद याद आया व्लॉग बनाना था, बाकी मेरी स्टोरीज पे देख लेना, मस्त खाना है एक नंबर। और पूरी क्रेविंग थी, 5 महीने से क्रेविंग हो रही थी इंडियन खाने की, वो पूरी हो गई है। यहाँ पे दाल मखनी थी, मटर पनीर था, और ये नान वगैरह थे वो ख़त्म हो गए हैं। अज्यूम कर लो ये भरी हुई प्लेट है। तो चलो भाई दोस्तों, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट गजब व्लॉग में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दे भाई, कर दे लाइक सब्सक्राइब, हाँ कर दो भाई। चलो बाय बाय।